श्री रघुबीर भगत हितकारी, सुनि लीजे प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सब भगत और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मांडर पार नहीं पाई। दूत तुम्हारा वीर हनुमाना, जासु प्रभा तिहुपुर जाना। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दुबुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मा दिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम रो यश गावे। चारियों भेद भरत है साखी, तुम भगतन की लचा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार न पाही। नाम तुम्हारा लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारि हो वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, को प्रथम पूज तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शेष पर धारा। फूल समान रहत सोभारा, पावत कोए न तुमरो पारा। भरत नाम तुम रोर धारो, तासो कब हुनरन में हारो। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यम हो किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता राम पुनीता गायो,
भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो घट सो पर कट भई सो आई जाको देखत चंद्र लजाई जो तुमरे नित पाव पलोटत नवनिधि चरणन में लोटत सिद्धि अठारह मंगलकारी सो तुम पर जावे बलिहारी ओ रघु जो अनेक प्रभुताई सो सीता पति तुम ही बनाई इच्छा ते कोटिन संसारा रचित न लागत पल की बारा जो तुमरे चरणन चित लावे ताकि मुक्ति अवसी हो जावे सुनु राम तुम तात हमारे तुम ही भरत कुल पूज प्रचारे तुम ही देव कुल देव हमारे तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे जो कुछ हो सी तुम ही राजा जय 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 प्रभु राखो राजा राम आत्मा पोषण हारे जय 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 दशरथ के प्यारे जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा नर गुण ब्रह्म अखंड अनूपा सत्य सत्य जसत्य व्रत स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी सत्य भजन तुमरो जो गावे सो निश्चय चारो फल पावे सत्य शपत गोरीपति कीनी तुमने भक्ति की सब सिद्धि दीनी ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा धन्य धन्य तुम धन्य परतापा नाम तुम्हारा हरित संतापा सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजी दुदुम्बी शंख बजाया सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही वो हम रे तन मन धन या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकट ताके उर होई आवागमन मिटे ती केरा सत्य वचन माने शिव मेरा और आस मन में जो होई मन वाचित
फल पावे सोई। इनगु काल ध्यान जो लावे तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे, साग पत्र सो भोग लगावे, सोनर सकल सिद्ध वत पावे। अंत समय रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरुगावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। दिन कह रोम रोम जय जय श्री राम, जय बोलो जय श्री राम। रात दिन कह रोम रोम जय जय श्री राम, जय बोलो जय श्री राम। अवध के राघव नंदन जी को, अवध के राघव नंदन जी को मेरा है दिन। कह रोम रोम जय जय श्री राम, जय बोलो जय श्री राम। अजब छटा है राम प्रभु की, मुखमंडल पे तेज गजब है। जब से बनी है धरती गगन ये, राम ही तब के राम ही अब है। अजब छटा है राम प्रभु की, मुखमंडल पे तेज गजब है। जब से बनी है धरती गगन ये, राम ही तब थे राम ही अब है। नगरी नगरी जिधर भी देखो उनका ही धाम, जय बोलो जय श्री राम। प्रण लेके श्री राम चले,
दुष्टों का संहार किए तो भोले जन को थाम गले। दसों दिशाओं में फैला है उनका ही नाम, जय बोलो जय श्री राम। दिन कह रोम रोम जय जय श्री राम, जय बोलो जय श्री राम। अवध के राघव नंदन जी को, अवध के राघव नंदन जी को मेरा है प्रणाम। रात दिन कह रोम रोम जय जय श्री राम, जय बोलो जय श्री राम। कड़कड़ में बसते हैं श्री राम, ओ कड़कड़ में बसते हैं श्री राम। उनसे ही है सुबह कयालम, उनसे ही है सुबह कयालम, उनसे ही है शाम। कड़कड़ में बसते हैं श्री राम, कड़कड़ में बसते हैं श्री राम। राम ही सत्य और सुंदर है, हर मन के वो अंदर है। राम ही सत्य और सुंदर है, हर मन के वो अंदर है। पावन श्री चरणों में उनके, पावन श्री चरणों में उनके जीवन कटे तमाम। कण कण में बसते हैं श्री राम, रघुवंशी पार उतारो जन्म मरण के
हमको उबारो। हे रघुवंशी पार उतारो, जन्म मरण से हमको उबारो। सांसों की माला में तुम हो, सांसों की माला में तुम हो। लेती है धड़कन तेरा नाम, कण कण में बसते हैं श्री राम। कण में बसते हैं श्री राम, ओ कण कण में बसते हैं श्री राम। उनसे ही है सुबह कयालम, उनसे ही है सुबह कयालम, उनसे ही है शाम। कण कण में बसते हैं श्री राम, कण कण में बसते हैं श्री राम, कण कण में बसते हैं श्री राम, thank you.
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं से परिपूर्ण है। किस तरह श्री हरि विष्णु ने महाराजा दशरथ नंदन राम के रूप में धरती पर अवतार लिया और पापी रावण का अंत कर धरती पर राम राज्य स्थापित किया। रामायण में प्रभु राम की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से एक मार्मिक कथा अहिल्या उद्धार की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। रामचंद्र जी महिमा जिनकी हो, रामचंद्र जी महिमा जिनकी, भक्तों अपरंपार चरण छुआए और अहिल्या कर दी ना उद्धार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धरती माँ के आह्वान पर श्री हरि विष्णु ने धरती पर महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। साथ में भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। बाल लीलाएं करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की भक्ति, और अब चारों भाई गुरुकुल से वापस आ गए थे। एक दिवस महाराजा दशरथ के दरबार में मुनि विश्वामित्र आए। महाराजा दशरथ ने उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु आज मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद के बादल देखे तो दशरथ ने उनसे अनेक प्रश्न किए, परंतु मुनिवर थे के मुख से कुछ बोल ही नहीं रहे थे।
और जब मुनिवर ने महाराजा दशरथ से यह शिकायत की तो उसके पश्चात क्या हुआ, आइए सुनते हैं। राजा दशरथ तेरे राज में असुर उत्पात मचाए, हम ऋषियों का यज्ञ है राजन पूर्ण ना हो पाए। इसी समय श्री रामचंद्र और लक्ष्मण साथ में भेजो, इन असुरों का अंत करेंगे मिल करके ये दोनों। दशरथ ने गुरुवर की सुन ली हो, दशरथ ने गुरुवर की सुन ली, भक्तों कर्ण पुकार, राम लखन को संग में भेजे हृदय धर कर भाव। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वनों में आ गए भक्तों और उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। ऐसा करते करते उन्होंने कई कई असुरों का अंत किया। एक दिन वन भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां का वातावरण अत्यंत रहस्यमयी था और भयानक भी था। पूछने पर मुनिवर ने बताया यह स्थान महामायावी राक्षसी कालिका का है जिसका तुम्हें अंत करना है राम। प्रभु राम के मन में प्रश्न आया, गुरुवर वो तो एक स्त्री है और स्त्री का वध नीति अनुकूल नहीं। परंतु गुरुवर ने कहा, हे राम जो पाप करता है उसका अंत करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और उधर ताड़ का अट्टहास करती हुई जंगल में प्रकट हो गई भक्तों। हंस कर आई ताड़िका भारी राड़ मचाती, बोली मनुज है प्यारे मुझको उनका मांस में खाती। जैसे ही खाने को आई राम ने बाण चढ़ाया, मारा बाण हृदय में उसके प्राण पखेरु उड़ाया। भूमि गिरी थी पापी ताड़िका, पापी ताड़िका मारी उसने पछा। राक्षस सेना रोती भक्तों मार मार के दहा। बोलो श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ताड़का और सुबाहु जैसे महाराक्षसों का अंत करने के पश्चात राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते रहे। और एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का संदेश प्राप्त हुआ कि वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं जिसमें मुनिवर और उनके शिष्य आमंत्रित हैं। मुनिवर राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में एक वीरान आश्रम दिखा, वहां पत्थर की शिला से राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी जिसका रहस्य मुनिवर ने यूं बतलाया, पत्थर की ये शिला नहीं थी ये तो कभी थी नारी, गौतम ऋषि किनार अहिल्या श्रापित हुई बेचारी। बड़ी करुण गाथा है इसकी आओ तुमको सुनाऊं, ध्यान लगा कर सुनना दोनों आओ मैं बतलाऊं। तुमरे ही चरणों से होना हो, तुमरे ही चरणों से होना इसका तो उद्धार, इसीलिए तो आए हैं हम आज यहाँ इस द्वार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
की करुण कथा इस तरह है राम। गौतम ऋषि गृहस्थ होकर भी घनघोर तपस्वी थे और उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत पतिव्रता नारी थी। वो नित्य प्रति भोर की पहली किरण के साथ साथ गंगा स्नान हेतु चले जाते थे, परंतु इंद्र उनके तप को भ्रष्ट करना चाहता था। अतः उसने एक चाल चली, मध्य रात्रि को मुर्गे की बांग दे दी। गौतम ऋषि भोर हो गई जानकर गंगा स्नान को चल दिए और इधर इंद्र उनका रूप धरकर कुटिया में प्रवेश कर गया और अहिल्या के साथ प्रेम क्रीड़ा करने लगा। उधर गौतम ऋषि जब वापस आए तब उन्होंने अहिल्या को इंद्र के साथ प्रेम रत देखा और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की शिला बन जा। परंतु जब सत्य जाना तो उसे मुक्ति का उपाय बताया कि राम चरणों की धूलि से एक दिन तेरा उद्धार होगा। जाओ राम अब देर करो ना, शिला के सन्मुख जाओ। पाथर नारी अहिल्या से तुम अपने चरण छुआओ। जैसे ही वो चरण छुआए पत्थर बन गया नारी। रामचंद्र की चरण धूलि से नार अहिल्या तारी। चरणों में वंदन करती है ओ, चरणों में वंदन करती है अहिल्या सौ सौ बार। चली गई थी अहिल्या नारी गौतम ऋषि के द्वार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो देखा आपने भक्तों किस तरह प्रभु श्री राम जी के चरणों की धूलि से एक पत्थर की शिला नारी बन गई और प्रभु राम ने श्रापित अहिल्या का कल्याण किया। तो आप भी यदि प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभु श्री राम जी के नाम को जपना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वेद पुराण भी यही कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। राम नाम को जप के तर गई भक्तों नार अहिल्या। राम नाम गाते हुई पूरन शबरी की तपस्या। राम नाम को जप के जटायु लोक वैकुंठ सिधारे। राम भक्त हनुमान सदा ही राम राम ही उचारे। चंदन तिलक लगाएगा जो, चंदन तिलक लगाएगा जो होगा भव से पार। राम नाम हितकारी भक्तों करता है उद्धार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की Thank you.
राम नाम की धुन में मगन है, मुख पे राम का नाम नाम की धुन में मगन है, मुख पे राम का नाम। पांव में घुंघरू बांध के नाचे, मैं घुंघरू बांध के नाचे, महाबली हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की इनको तो सिया राम सुहाए, दूजा नहीं सुहाए, इनको तो सिया राम सुहाए, दूजा नहीं सुहाए। राम नाम अति प्यारा लागे, इनको ये ही भाए, राम नाम अति प्यारा लागे, इनको ये ही भाए। ताली बजा कर नाच रहे हैं, जहां ताली बजा कर नाच रहे हैं, करते हैं गुणगान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नाम की लगन लगी है, राम की अलख जगाए, राम नाम की लगन लगी है, राम की अलख जगाए। हाँ, जो भी गाता राम की महिमा वो ही इनको भाए, हाँ जो भी गाता राम की महिमा वो ही इनको भाए। राम नाम सुन कर आ जाती, राम नाम सुन कर आ जाती, मुखड़े पे मुस्कान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मुक्ति के दाता हनुमत भक्ति देते, राम तेरे मुक्ति के दाता हनुमत भक्ति देते। एक दूजे के लिए बने हैं वेद पुराण है कहते, हाँ एक दूजे के लिए बने हैं वेद पुराण है कहते। चंदन तिलक है करता भक्तों, जय हो चंदन तिलक है करता भक्तों, दोनों का गुणगान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, के नाचे, हाँ पांव में घुंघरू बांध के नाचे, महाबली हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम श्री राम।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तों, वेद पुराण बताते हैं कि प्रभु श्री राम से भी बढ़कर उनका नाम है। इस सृष्टि में जिसने प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन किया है वो भव सागर से पार हो गया। तो आइए इस भजन के माध्यम से उन भक्तों की कथाएं सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम को जपा और भव सागर से पार हो गए। जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। राम ही जाने राम की माया, कण कण राम समाया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु राम और लक्ष्मण उनके साथ वनों में भ्रमण कर रहे हैं कि तभी प्रभु श्री राम के कानों में अपने ही नाम की गूंज सुनाई देती है। देखते क्या है कि राम नाम की ध्वनि एक पत्थर की शिला से आ रही है। मुनि विश्वामित्र अहिल्या की कथा बताते हैं और कहते हैं कि अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से केवल तुम्हारे चरणों की रज इसे मुक्ति दे सकती है। जाओ राम, अपने चरणों की रज इसे प्रदान करो। प्रभु श्री राम ने ज्यों ही शिला से पग छुआए राम राम करती अहिल्या खड़ी हो गई। प्रभु को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चली गई। पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी। जो ही चरण छुआया, जो ही चरण छुआया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। अपने पिता के वचनों को मान प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी वन गमन हेतु आए हैं। सामने गंगा नदी है, गंगा नदी के पार जाना है। प्रभु ने केवट को याद किया परंतु केवट तो जानता है कि प्रभु के चरणों की रज से एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी। नहीं माना, प्रभु के चरण रज धोए, उनका चरणामृत पिया और राम जी का नाम जपते जपते वैतरणी पार करवाने वाले भगवान को स्वयं अपनी नाव में गंगा पार कराया। केवट ने चरणामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर,
गया गंगा पार लगाया जगत में राम ही राम समाया माता जानकी को खोजते खोजते प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित जब ऋषि मूक पर्वत के पास पहुँचे तो देखा एक कुटिया से कातर स्वर में राम नाम की ध्वनि निकल रही है। दोनों उस कुटिया में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया आँखों में आंसू लिए राम जी का नाम जप रही है। ज्यों ही उस बुढ़िया शबरी ने अपने प्रभु राम को देखा उनके पैरों में गिर गई, आदर सहित उन्हें कुटिया में लाई अपने जूठे फल खिलाए और प्रभु की कृपा प्राप्त कर अंततः प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो गई। जूठे फल शबरी के खाए जूठे फल शबरी के खाए भक्त का मान बढ़ाया भक्त का मान बढ़ाया जगत में राम ही राम समाया और परम राम भक्त श्री हनुमान जी का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो अपना सारा जीवन अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम जी की भक्ति को समर्पित कर दिया। अतुलित बलशाली होने के पश्चात भी वो सदा अपने राम जी का नाम उच्चारते रहते हैं। आज भी इस घनघोर कलयुग में भी प्रभु श्री राम के और माँ सीता के आशीर्वाद से वो प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। राम नाम चंदन को लगा के राम नाम चंदन को लगा के हनुमत ने गुण गाया हनुमत ने गुण गाया जगत में राम ही राम समाया जगत में राम ही राम समाया हनुमान जयंती आई हनुमान जयंती आई घर घर में खुशियाँ छाई घर घर में खुशियाँ छाई बधाई सारे भक्तों को बधाई सारे भक्तों को बोलो श्री राम मैया
अंजनी बहुत हर्षाई, मैया घर घर बांटे पदाई, मैया अंजनी बहुत हर्षाई, मैया घर घर बांटे पदाई, खुशियों की बजे शहनाई, खुशियों की बजे शहनाई, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बोलो श्री राम। शिव शंभु भी डमरू बजाए, मैया गोरी बधाई गाए, शिव शंभु भी डमरू बजाए, मैया गोरी बधाई गाए, कैलाश में धूम मचाए, कैलाश में धूम मचाए, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बोलो श्री राम। सिया राम चंद्र मुस्काए, पुष्पों की वर्षा कराए, सिया राम चंद्र मुस्काए, पुष्पों की वर्षा कराए, सब ढोल नगाड़े बजाए, सब ढोल नगाड़े बजाए, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बोलो श्री राम। सारे भक्त झूम के गाए, मन में फूले न समाए, सारे भक्त झूम के गाए, मन में फूले न समाए, ए बिबालिया भी भजन बनाए, ए बिबालिया ये भजन बनाए, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बोलो श्री राम। हनुमान जयंती आई, घर घर में खुशियाँ छाई, हनुमान जयंती आई, घर घर में खुशियाँ छाई, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बोलो श्री राम। छम छम नाचे हनुमान, देखो छम छम नाचे हनुमान राम जी के मंदिर में, देखो छम छम नाचे हनुमान राम जी के मंदिर में, ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में, ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में। भजन ये गाए, हाथों से खड़ताल बजाए, मुख से राम भजन ये गाए, हाथों से खड़ताल बजाए, श्री राम जी का करे गुणगान, श्री राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में, ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में। भक्त राम का भोला भोला, राम नाम का ही मतवाला, भक्त राम का भोला भोला, राम नाम का ही मतवाला, ये तो नाच नाच तोड़े है तान, नाच नाच तोड़े है तान राम जी के मंदिर में, ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में। मेरा तू बजरंग बलबीरा, तेरा ही गुण गाए बशीरा, मेरा तू बजरंग बलबीरा, तेरा ही करूँ
हाथ जोड़ प्रणाम, करूं हाथ जोड़ प्रणाम राम जी के मंदिर में। ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में। देखो छुम छुम नाचे हनुमान राम जी के मंदिर में। ये तो राम जी का करे गुणगान राम जी के मंदिर में। जप रही है एक तुम्हारा नाम, सांस सांस जप रही है एक तुम्हारा नाम। रघुनंदन चरणों में कोटि शह प्रणाम। भारत के
तुम ही आत्मा राम, हे राघव भारत के तुम ही आत्मा राम। आएंगे जब राम बजपुरी ना